हाय बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और मजेदार कहानी लाई हूँ, एक निडर बच्चे की, जिसका नाम था रामू। छुट्टियों का समय था और रामू गया गांव अपने दादा दादी के घर छुट्टियां मनाने। जैसे ही गांव पहुंचा, उसने अपना सामान एक तरफ रखा और कहा, दादी चलता हूं दोस्तों से मिलने, और निकल पड़ा। दोस्तों के साथ पूरा दिन मस्ती की उसने। पेड़ों पे चढ़कर आम खाए, अमरूद खाए, चीकू खाए, खेतों में खेलता रहा, घूमता फिरता दौड़ता, बहुत मजा आया। शाम को थककर घर वापस आया और कहा, दादी बड़ी भूख लगी है, खाना लगा दो। दादी ने तुरंत खाना लगा दिया, रामू ने खाया और बेचारा थक कर सो गया। अरे ये कैसी आवाज है? वह गया, उसने देखा दादी बेचारी बैठी थी। दादी दादी ये कैसी अजीब आवाज है? मुझे पता नहीं बेटा, बहुत दिनों से यहाँ अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। पता नहीं कौन सा भूत प्रेत यहाँ घुस गया है। क्या दादी आप भी? मैं नहीं मानता भूत प्रेत में। नहीं बेटा, शायद कोई काला जादू भी हो सकता है। मैं नहीं मानता इस दकियानुसी बातों को। देख लूंगा, खुद पता लगा लूंगा कि ये क्या रहस्य है। बोलकर रामू निकल पड़ा कमरे की ओर। दादी बेचारी सोने की कोशिश कर रही थी। जैसे तैसे नींद लग गई और सुबह रामू उठकर आया और दादाजी के पास गया। दादाजी दादाजी, कल रात को बड़ी अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, कैसी आवाजें हैं ये? अरे बेटा, जरूर कोई भूत प्रेत चुड़ैल घुस गई है इस गांव में। क्या दादाजी आप भी ऐसी बातों में विश्वास करते हैं? तुम नहीं समझोगे बेटा, रहने दो, जाने दो। नहीं नहीं, चलो ना आप मेरे साथ, हम दोनों मिलकर इस रहस्य का पता लगाते हैं। नहीं बेटा, मैं नहीं आने वाला और तुम भी मत जाना। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, जल्द ही ये भूत प्रेत इस गांव को छोड़कर भाग जाएगा। चलो चलो काम करो। और दादाजी चले गए। रामू सोच में पड़ गया, ये लोग तो बहुत डरते हैं, चलो मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ। रामू गया और उसने अपने दोस्तों से पूछा। सभी ने मना कर दिया, अरे ना भैया, हम नहीं आएंगे, हमें तो बड़ा डर लगता है भूत प्रेतों से। अरे कोई भूत भूत नहीं है, क्यों डर रहे हो? नहीं नहीं, मेरे माँ बाप मुझे इजाजत नहीं देंगे, माफ करो भैया, हम नहीं आएंगे। रामू ने तो ठान ली, कुछ भी हो जाए मैं इस रहस्य का पता जरूर लगाऊंगा। उस दिन रात को रामू ने तकिए और बिस्तर को ऐसे रख दिया और ऊपर चादर ओढ़ दी जैसे वो सो रहा है। चुपके से लालटेन ली और निकल पड़ा आवाज की तलाश में। ऐसा लगता है जैसे कोई छोटी बच्ची हंस रही है, या कोई बूढ़ी दादी, या किसी मंदिर की घंटी। पर रात के वक्त मंदिर में घंटी कैसे बजेगी? रामू चलता गया आवाज की तलाश में। गांव के पास एक जंगल था, रामू वहां पहुंच गया। उसे लगा वह आवाज के पास पहुंच चुका है, और जैसे ही
उसने देखा तो पेड़ के ऊपर बैठा था एक बंदर और बंदर के हाथ में थी एक घंटी। रामू को बड़ी हंसी आई। अच्छा तो यह था भूत प्रेत चुड़ैल और काला जादू। पर उसे बंदर के हाथ से घंटी लेनी थी। क्या करूं? तुरंत उसे याद आया कि उसकी जेब में उसने कुछ चने रखे थे। उसने चने लिए और बंदर की ओर फेंक दिए। बंदर कूदा पेड़ से नीचे घंटी के साथ। घंटी रखी और गटाघट चने खाने लगा। रामू गया चुपके से और घंटी ली और अपनी लालटेन लेकर दौड़ पकड़ के चला गया घर। सुबह उसने दादाजी से कहा, दादाजी मैंने इस गांव का भूत प्रेत देख लिया है। दादाजी बोले, तुम कब गए? अरे कल रात को पूरे गांव का चक्कर मार कर मैंने रहस्य सुलझा दिया है। पता है क्या हुआ था? जंगल में एक बड़े पेड़ के ऊपर एक बंदर घंटी बजा रहा था। चुपके से मैंने उसकी घंटी भी छीन ली। आज के बाद आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। दादाजी बड़े खुश हुए। उन्होंने तुरंत जाकर सरपंच से कहा कि गांव का कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक बंदर था जिसने घंटी बजा बजा कर सबको परेशान कर दिया था। सरपंच आया और उसने रामू को उसकी बहादुरी की बड़ी शाबाशी करी और इस तरह निडर रामू ने भूत प्रेत का रहस्य सुलझा दिया। मजा आया? थैंक यू।